नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। ममता बनर्जी को जय श्री राम से इतनी बड़ी समस्या हो गई कि अब वो संसद भवन में निंदा प्रस्ताव ला रही हैं और खास तौर से राम भक्तों के खिलाफ ऐसी आवाज उठाई है ममता बनर्जी ने, जिसको आप देख के हैरान हो जाएंगे। आज इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आज ममता बनर्जी का पोस्टमार्टम होने वाला है, उनकी पॉलिटिक्स का। क्योंकि जिस तरीके की पॉलिटिक्स, जिस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, यह कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है आने वाले समय के लिए कि ममता बनर्जी जैसे लोगों को अगर सत्ता में लाया गया तो यह देश की संस्कृति और देश की राजनीति के लिए कितनी घातक हो सकती है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में ममता बनर्जी निंदा प्रस्ताव ला रही हैं, और सिर्फ इतना कि ममता बनर्जी कार्यक्रम में गई थी, वहां पे आम पब्लिक ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। शायद आपको भी प्रश्न पूछना चाहिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम से समस्या क्या है। मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम भी लिखिए, और अगर ममता बनर्जी के लोग, उनके समर्थक ये वीडियो देखते हैं, उनको समझ में आए कि देश राम को पूछता है, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे महापुरुष हैं, इसको एक बार नहीं, 10 बार नहीं, इसको 100 बार भी कहने में कोई गुरेज नहीं है, और राम इस देश के हैं और इस देश की पहचान है राम। राम के मार्गदर्शन में जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या से चलते हुए श्रीलंका तक गए और वहां पे राक्षसों का नरसंहार किया, उस बीच जितने भी राक्षस आए सबका नरसंहार किया, तो वो सिर्फ अपने फायदे के, किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि 14 वर्ष का वनवास उन्होंने जो झेला वो देश के, राष्ट्र के कल्याण के लिए झेला। उस बीच जितने भी पशु पक्षी दलित गरीब हर उस प्राणी का कल्याण किया उन्होंने, जिसने सैकड़ों सालों से उम्मीद रखी थी कि भगवान आएंगे, कल्याण करेंगे। लेकिन शायद ममता बनर्जी की आत्मिक कुंठा और उनकी मनोदशा खराब होने की वजह से ही ये चीजें जो आप देख रहे हैं कि बार बार जय श्री राम से ममता बनर्जी को समस्या होती है, और ममता बनर्जी की ये तानाशाही देखिए कि अब इतनी बावली हो गई हैं कि वो विधानसभा में निंदा प्रस्ताव ला रही हैं, वो भी जय श्री राम नारे के खिलाफ। सोचने वाली बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में दौरान लगे जय श्री राम के नारे से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी भड़की हुई हैं कि वह उसके खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव ला रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के नारे, टीएमसी के नारे को नेताजी और मुख्यमंत्री का अपमान बताते हुए सोमवार को कहा था कि वह विधानसभा में निंदा प्रस्ताव ला सकती हैं। हालांकि नारे को लेकर ममता का समर्थन करने वाले कांग्रेस और सीवीएम पार्टी का दो टूक कहना है कि निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगी। शायद कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को डर है कि राम का विरोध करने पर उनका वोट बैंक घट जाएगा। लेकिन एक दूसरा प्रश्न चिन्ह यह भी है कि राम का विरोध तृणमूल कांग्रेस ही नहीं करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से भारतीय संस्कृति के जितने भी पुरोधा हैं, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे विवेकानंद हो, सबका विरोध करती है। दरअसल वो भारत के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानते नहीं है, वो चीन के और रूस के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट का उदय चीन और रूस से हुआ था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी में भारत में जितने लोग हैं वो चीन को ही अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं और रूस को मानते हैं। तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर अपने मुद्दे से आखिर कम्युनिस्ट पार्टी क्यों भटकी। जब बात आ रही है राम के विरोध की तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी खुल के विरोध कर देना चाहिए, लेकिन बात वोट बैंक की आ जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी को वहां पर लग रहा है कि हिंदुओं का वोट कहीं ना कहीं छूट जाएगा हमसे, इसलिए वो खुल के विरोध में नहीं आए। लेकिन ममता बनर्जी शायद वहां के 31% मुसलमानों को खुश करने के लिए पूरी तरीके से कहें कि मुस्लिम धर्म धारण कर चुकी हैं, बस नाम नहीं बदला है, शायद वो मंदिर जाना भी छोड़ दिए हैं, वो मस्जिद जाती हैं, मस्जिद में पूजा पाठ करती हैं, और सब कुछ अब उनका पूरी तरीके से धर्म विशेष को उन्होंने अपना लिया है। धर्म परिवर्तन की जल्द ही खबरें आ जाएंगी आप तक, अब इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं।
कांग्रेस और सीपीएम ने बुधवार को कहा कि वो जय श्री राम का नारा लगाए जाने के खिलाफ टीएमसी की तरफ से विधानसभा में लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। दोनों दलों ने नेताओं ने कहा अगर यह प्रस्ताव लाया जाता है तो दोनों दल तब तक इसका समर्थन नहीं करेंगे जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं प्रदेश में संविधान एवं विपक्ष का सम्मान सुनिश्चित नहीं करती हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी संविधान और विपक्ष का सम्मान नहीं करती हैं। ये बात सही है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, लेकिन ये तर्क कौन सा हुआ? अगर मान लीजिए सम्मान ही करती होती तो राम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने वाले उस प्रस्ताव का क्या समर्थन कांग्रेस पार्टी करती? जी हाँ, करती, क्योंकि कांग्रेस ने माना और कई पार्टियों ने माना कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब राम मंदिर बनने की जब बात आ रही थी इस देश में, कई मुकदमे चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं वो वकालत कर रहे थे बाबरी मस्जिद की, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं इस देश में। क्या वाकई राम का अस्तित्व नहीं है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समारोह को संबोधित करने से मना कर दिया। आप सब ने वीडियो देखा, दरअसल वहां पे जय श्री राम के नारे बड़े तेजी से लग रहे थे, शायद बहुत तेजी से नहीं थे, 2-4 बार नारे लगे, लेकिन ममता बनर्जी जिनको राम शब्द बहुत तेजी से चुभता है, मुझे एक मीडिया पर्सनालिटी के रूप में होने के कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए, लेकिन शायद राम का नाम सुन के जितना गुस्सा रावण को आता था उतना गुस्सा ममता बनर्जी को आता है। आप रामायण देखा होगा, जब कोई बोलता था श्री राम तो रावण बोलता था श्री मत लगाओ। ममता बनर्जी में भी शायद वही आत्मा घुसाई है। ममता बनर्जी को शायद बुरा लगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन मैं बात सच्चाई यही है कि रावण की आत्मा घुस गई है और राम के नाम पे सहन नहीं कर सकती हैं। रामायण आप देखिए, रामायण जितनी बार देखेंगे विभीषण बोलता है श्री राम, तो रावण बोलता है राम के आगे श्री मत लगाओ, राम के आगे श्री मत लगाओ। और वही आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बोल कर रही हैं, वो बोलती हैं नाम मत लो, श्री लगाने से तो उनको दिक्कत है ही है, नाम से भी दिक्कत है। और मुझे लगता है ये वीडियो आज वायरल होनी चाहिए, शायद ये बयान आप कोट करके चला सकते हैं। मुझे किसी से डर नहीं है, ममता बनर्जी से डर नहीं है, हम एक पत्रकार के तौर में, मुझे भारत की संस्कृति और भारत का कल्चर ही मेरे लिए सब कुछ है, और भारत की राष्ट्रीयता और वो तिरंगा और झंडा और भारत का नाम और हिंदुत्व, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।